जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ डीडी फ्रिज को लेकर। बहुत से व्यूवर्स के पास डीडी फ्रिज का अभी भी एमपीजी 2 का सेट टॉप बॉक्स होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा एमपीजी 4 सेट टॉप बॉक्स को लेकर। बहुत अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है भाई। मेरे पास काफ़ी टाइम से ये सेट टॉप बॉक्स अवेलेबल है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, पहले आप लोग पूछते रहते थे कि कहाँ से खरीदें कहाँ से ना खरीदें, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सा लिंक आपको जो है प्रोडक्ट्स में, जहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा आएगा भाई, तो वहाँ पर उस सेट टॉप बॉक्स का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से सीधा डायरेक्टली आप जो है शॉपिंग जो है ऐप वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। ऑनलाइन इसकी जो प्राइस है 1499 है। मैंने उस टाइम 1499 में ही इस सेट टॉप बॉक्स को ख़रीदा था भाई, लगभग 2 से 3 साल पहले भाई, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ भाई सेट टॉप बॉक्स जो है ये कैटविजन का, ठीक है। ये सेट टॉप बॉक्स है भाई मेरे पास और कैटविजन कंपनी का सेट टॉप बॉक्स है भाई ये। यहाँ पर ये सेट टॉप बॉक्स की कंपनी लिखी गई है, ठीक है, कैटविजन कंपनी का ये सेट टॉप बॉक्स है और इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई अवेलेबल है भाई, वाईफाई इनबिल्ट है इसके अंदर। बाकी इसका इंटरफेस भी बहुत कमाल का है, 2 से 3 साल मेरे पास इसको हो चुके हैं और MPG 4 क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहा है। बाकी मैं इसके अनबॉक्स एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब से मैंने लिया है तब से मेरा बॉक्स ये मेरे पास ही पड़ा है भाई, ना तो मैंने बॉक्स को कुछ बिगड़ने दिया है ना ही सेट टॉप बॉक्स को, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी एक बार लुक दिखा देता हूँ, टीवी इंटरफेस भी दिखाऊंगा भाई किस तरह का है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, कुछ इस तरह का सेट टॉप बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है भाई। कैटविजन DVB-S2 मतलब MPG 4 फ्रीटवेयर HD सेट टॉप बॉक्स है भाई। कैटविजन है ओवर 100 TV चैनल, ठीक है। मोबाइल से टीवी में आप लोग इसको देख सकते हैं, मोबाइल टू यूवर टीवी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का बॉक्स होगा, रिमोट होगा, यूट्यूब आप इसके अंदर चला सकते हैं भाई। इनबिल्ट वाईफाई इसके अंदर दिया गया है, एक ट्यूबी कास्ट कुछ होता है भाई, सॉफ्टवेयर ऐप होती है, वहाँ से कनेक्ट करके आप इसमें यूट्यूब भी देख सकते हैं भाई। तो इसको ओपन करते हैं भाई, तो ये देखिए कुछ इस तरह का सेट टॉप बॉक्स है भाई मेरे पास पहले से ही है। ये देखिए 401 HP मॉडल है, ठीक है, HD और कुछ इस तरह का लुक होगा। और बाकी बैक साइड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, एंटीना का बटन है भाई यहाँ पर, एंटीना है, USB है, HD आउट है, ऑडियो वीडियो के लिए यहाँ पर ये पावर अडाप्टर है और USB का एक और पोर्ट दिया गया है। USB के 2 पोर्ट इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे भाई। नीचे की साइड कुछ ऐसा है भाई और एक यहाँ पर इसके अंदर जो है अडाप्टर जो है इसका मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, दिखा देता हूँ भाई मैं। तो ये अडाप्टर आप लोगों को मिल जाएगा एंड और एक ही रिमोट कुछ इस तरह का मिलेगा भाई आप लोगों को कैटविजन बॉक्स का। ये नीचे की तरफ कैटविजन लिखा हुआ मिल जाएगा और बहुत अच्छा रिमोट है भाई यहाँ पर ये, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ मैनुअल एक HDMI केबल है भाई यहाँ पर, ये देखिए HDMI केबल भी आप लोगों को मिल जाएगी और मैनुअल बुक्स हैं भाई। मैनुअल बुक्स की तो कोई ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि सभी को ये सेट टॉप बॉक्स चलाना आ ही जाता है, ठीक है। और चलिए अब मैं इसको दिखा देता हूँ भाई, देखिए कुछ इस तरह का बॉक्स है। बाकी मैं इसको चलिए टीवी की स्क्रीन पर भी आप लोगों को चला कर दिखाता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आप लोग इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसको पर अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो नीचे बाई सेट टॉप बॉक्स का लिंक है भाई, कैटविजन का ही, 1499 उसका प्राइस है। और लिंक पर क्लिक कीजिए, आप सीधा वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं भाई। कैटविजन बॉक्स का कुछ इंटरफेस देखिए दोस्तों, टीवी चैनल लिस्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आप लोगों को और सैटेलाइट लिस्ट में कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा भाई। सिस्टम सैटेलाइट लिस्ट, ये देखिए यहाँ पर सैटेलाइट लिस्ट में कुछ इस तरह से सिग्नल्स मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि DD फिडिस के, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस इस सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिलता है, इंटर सेट। और यहाँ पर आप लोगों का DD फिडिस है भाई, ठीक है, कुछ इस तरह का जो TV चैनल लिस्ट है यहाँ से देख सकते हैं भाई। यहाँ पर फेवरेट लॉक अनलॉक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाईफाई भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है भाई, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज हो सकती है भाई, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसके अंदर मिल जाएंगे,
इस तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सेट ऑफ बॉक्स।